नमस्कार, स्वागत है आपका सुर्खियों से परे में और मैं हूं आपके साथ अनमोल कुमार। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत आज की हेडलाइंस के साथ। 6 मई को खुलेंगे श्री केदारनाथ धाम के कपाट, 2 मई को धाम के लिए प्रस्थान करेगी विग्रह डोली। उत्तराखंड में अब पंडे पुजारियों के हाथों में होगा मंदिर प्रबंधन और प्रशासन, सरकार ने वापस लिया देवस्थानम एक्ट। 2 साल बाद आज से फिर खुला धर्मशाला स्थित दलाई लामा मंदिर, फिलहाल लोगों से नहीं मिलेंगे धर्मगुरु दलाई लामा। कोरोना पाबंदियां हटने के बाद एक बार फिर से भक्तों के लिए खुले दिल्ली के मंदिरों के कपाट, दिसंबर से लगे थे दर्शन पर प्रतिबंध। और यूक्रेन में लोगों की मदद के लिए सामने आया इस्कॉन, लोगों के रहने से लेकर भोजन पानी की व्यवस्था में लगे हैं सभी इस्कॉन मंदिर। अब बात राष्ट्रीय सुर्खियों की। पंचांग गणना के अनुसार 6 मई को सुबह 6:25 पर वृष लगन पर पूरे विधि विधान के साथ श्री केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से 2 मई को केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। साथ ही भगवान केदारनाथ के क्षेत्रपाल के रूप में पूजनीय आराध्य भगवान भैरवनाथ की विशेष पूजा अर्चना 1 मई की रात को की जाएगी। उत्तराखंड में देवस्थानम एक्ट वापस ले लिया गया है। इस एक्ट के वापसी के बाद चार धाम समेत राज्य के करीब 50 तीर्थ स्थलों का प्रबंधन और प्रशासन तीर्थ पुरोहितों के हाथ में आ गया है। इस फैसले के बाद एक बार फिर बद्री केदार मंदिर समिति पहले की तरह अपने अधिकारों के साथ सक्रिय हो जाएगी। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड एक्ट के तहत अब तक सरकार के नुमाइंदों का तीर्थ प्रबंधन में बड़ा रोल होता था। दुनिया भर के लिए बौद्ध आस्था का केंद्र दलाई लामा मंदिर को 2 साल के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आज से खोल दिया गया है। अभी सिर्फ दलाई लामा मंदिर को ही खोला जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक धर्मगुरु दलाई लामा फिलहाल अभी लोगों से नहीं मिलेंगे। दिल्ली में कोरोना को लेकर मिली रियायतों के बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों के कपाट भी खोल दिए गए हैं, लेकिन मंदिरों में दर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का खास ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिसंबर से मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। एक बार फिर आज से उज्जैन स्थित मंगलनाथ और अंगारेश्वर महादेव मंदिर में भात पूजा शुरू हुई। महाशिवरात्रि पूजन परंपरा और बुधवार को भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए 2 दिनों के लिए भात पूजा बंद करने का फैसला किया गया था। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के मौके पर मंगलवार सुबह 5 बजे से बुधवार रात 11 बजे तक लगातार 42 घंटे मंगलनाथ मंदिर के पट खोले गए थे। राजस्थान के नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर के लिए पुलिस चौकी खोली जाएगी। इस चौकी पर मंदिर में दर्शन करने आने वाले वीवीआईपी और मंदिर सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। आपको बता दें कि यहां भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए हमेशा भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। ऐसे में यहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी प्रमुख मुद्दा है। हिमाचल प्रदेश के श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम के गर्भगृह को एक बार फिर से भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से मंदिर का गर्भगृह बंद था। फिलहाल अभी बाहरी प्रवेश द्वार से ही भक्तों को प्रवेश दिया जा रहा है और साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में एक ऐसा मंदिर है जो साल में 364 दिन बंद रहता है और सिर्फ रक्षाबंधन के दिन मात्र 12 घंटे के लिए ही खुलता है। इस मंदिर का नाम बंशी नारायण मंदिर है और जिस दिन ये मंदिर खुलता है उस दिन यहाँ पूजा अर्चना करने और भगवान बंशी नारायण का आशीर्वाद लेने भक्तों की भारी भीड़ लग जाती है। यूक्रेन स्थित इस्कॉन के मंदिरों ने जरूरतमंदों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। युद्ध के बीच फंसे लोगों के लिए इस्कॉन मंदिर और उनके श्रद्धालु लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। यहां इस्कॉन के कुल 54 मंदिर हैं जहां लोगों की मदद की जा रही है। बेघरों के लिए रहने की व्यवस्था के साथ उनके भोजन पानी की व्यवस्था भी इस्कॉन की तरफ से ही किया जा रहा है। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के इतिहास के साथ। नमस्कार।